गुड मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 23 फरवरी 2021, वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत, अध्याय 11। अध्याय का नाम है चतुरह मुस्कः, पेज नंबर 40। पढ़ाई होने जा रही है, आप लोग किताब निकाल लें और ध्यान दें। सबसे पहले आपको किताब में शब्दार्थ लिखा हुआ है, आपको ब्लैक बोर्ड पर हम शब्दार्थ लिख दिए हैं, 10 और 11 दोनों का शब्दार्थ हम लिख दिए हैं। आप लोग उसको शब्दार्थ को लिख लीजिए, याद कीजिए। शब्दार्थ जब याद करेंगे तो आपका हिंदी अपने आप करने आ जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं पढ़ाई। चतुरह मुस्कः, चतुर बुद्धिमान, चतुर मतलब बुद्धिमान, मुस्कः मतलब चूहा, बुद्धिमान चूहा के बारे में आपको ये कहानी है, छोटा मोटा कहानी है बच्चों। आप लोग इससे प्रेरणा ग्रहण करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बुद्धि होती है, बुद्धि सबसे बड़ी होती है, बुद्धि बलवान होती है। जिसके पास बुद्धि है उसी को सब कुछ है। बुद्धि यदि रहेगा तो आपका हर एक काम में सफलता मिलेगी। जैसा कि आपको ही बताए थे एक बार कहानी, कि पलाश के पत्ते पर बहता हुआ जा रहा था नदी में, तो विद्वान सब लोग थे लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं था उनके पास। यदि व्यवहारिक ज्ञान रहता तो वे ऐसा नहीं करते। तो वे लोग विद्वान थे लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। पलाश के पत्ता जब नदी में बहते हुए जा रहा था तो एक कहता है कि जो प्रथम बार मिल जाए वह शुभ होता है, उसी अनुसार यात्रा करना चाहिए। तो वो चारों जो विद्वान था बच्चों, पलाश के पत्ते पर कूद गया और नदी में बहता हुआ जा रहा था पलाश का पत्ता। पत्ता तो बहता हुआ चला गया लेकिन मनुष्य तो आदमी जो विद्वान था वह धरती के पानी के नीचे चला गया और चारों का जान चला गया। इस प्रकार से बच्चों आप लोग सीखिए, व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते, व्यवहार से ही मित्र जाने जाते हैं। यदि आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो आपकी आपको हर एक काम में आपको सफलता होगी। अब बताइए, विद्वान था चारों और उसके पास जो है ज्ञान ही नहीं था, बुद्धि ही नहीं थी। सभी शास्त्र का विद्वान थे वो, हिंदी इंग्लिश ज्योतिष शास्त्र इतिहास सब चीज़ जानते थे लेकिन बुद्धि का ज्ञान नहीं था, व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं, बुद्धि का ज्ञान भी नहीं था। इससे उनको पलाश के पत्ते तो पर गए, बस नीचे चले गए, चारों का मौत हो गया चारों। इस प्रकार से चतुर चूहा की भी कहानी उसी प्रकार से, चूहा और बिल्ली की कहानी सुनिए। बिल्ली और चूहा की कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले संस्कृत उसका हिंदी भी बताते चला जाएंगे। एकदा एकस्मिन् उपवने एकः मुस्कः आहाराय धमति सः। एक बार की बात है, एक बगीचे में एक चूहा भोजन के लिए घूमता है, है ना, भोजन के लिए घूम रहा था बगीचा में, कौन, चूहा। तस्मिन् एव समय एका मार्जारी तत्र आगच्छत्। उसी समय एक बिल्ली भी वहाँ आई। कहाँ आई, चूहे के पास आई, कहाँ, बगीचे में। सा तम मुस्कम पश्यत्, वह बिल्ली जो है चूहे को देखा। सा मुस्कम खादना एकम उपाय अचिंत्यत्, वह बिल्ली जो है चूहे को खाने के लिए उपाय सोचने लगी कैसे हम चूहा को खा जाए। क्षणांतरम सा मुस्कम अवदत्, कुछ ही समय के बाद बिल्ली चूहा से बोली। क्या बोली,
मार्जारी बस मुसरा आगच्छे कृष्णा वह। चूहा कहता है बिल्ली को कि आओ 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 कृष्णा वह, हम दोनों खेलेंगे। कौन कर रहा है? बिल्ली। बिल्ली कर रही है चूहा से कि आओ, हम तो हम सोचे अकेले हैं, लेकिन आप आ गए तो दोनों मिलकर खेलेंगे। मुस्कर दुराते चूहा दूर से ही पता, नहीं नहीं तो हम माम खादिश्यसी, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम तो खा जाओगे मुझे। मारदारी बिल्ली कहती है ना खादिश्यामी, मैं नहीं खाऊंगी, अहम तो खादिश्यामी, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। क्या करूंगा? खेलूंगा, खेलूं है ना कि आओ, हम तो खेलने के लिए ही आपको बुला रहे हैं, डरो नहीं, मैं जो है तुम्हें नहीं खाऊंगी। बिल्ली कहती है, मुस्का चूहा कहती, चूहा मन से अपने मन में सोचने लगता है चूहा, या माम खादिश्यति, या मुझे अवश्य ही खा जाएगा, खा जाएगी, रक्षाया उपायम क्रोमी, अब मुझे रक्षा, इसके लिए मुझे अब रक्षा का उपाय करना चाहिए। यह जो है चूहा अपने आप जो है सोच रहा है कि हम बिल्ली तो हमको खा ही जाएगी, क्योंकि उसको तो हम मिल गए हैं खाने के लिए, अब तो कोई उपाय हमको सोचना पड़ेगा। मालारी बिल्ली कहती है की विचार ऐसी, क्या सोच रहे हो चूहेरा चूहे भाई, आगच आओ कीड़ खेलो, तुम कतमाम किडाम जानासी, तुम जो है कौन सा खेल जानते हो बताओ, कौन सा खेल जानते हो वही खेलेंगे दोनों मिलके। यह कह रही है बिल्ली, कह रही है चूहे से कि तुम कौन सा खेल खेलना जानते हो बताओ, वही खेल खेलेंगे हम भी। मुस्का कहता है, मुस्का मतलब चूहा, चूहा कहता है अहम तू नेत्र निमिल कीराम जानामी, नेत्र निमिल कीरा मतलब होता है बच्चों आँख मिचौली का खेल, जिसमें कि आप लोग बच्चे लोग जानते होंगे, है ना, आप लोग क्या देखे होंगे, आप लोग भी खेलते होंगे कि आँख बंद कर लेता है दोनों हाथ से, है ना, और उसके बाद वो खेल होता है आँख बंद किया हुआ खेल, है ना, नुक्का छिपी नहीं कहते हैं उसको, नुक्का छिपी खेल, है ना, वही हुआ नेत्र निमिल कीरा मतलब आँख मिचौली का खेल, है ना। तो आप लोग भी बच्चे होंगे, आप लोगों को खेलने के लिए आता होगा, तो चूहा कहा कि मुझे जो है वही खेल आता है, आँख मिचौली का खेल आता है, क्या वह तुम्हें वह खेल पसंद है? चूहा तो बुद्धिमान था। मारदारी कहता है अहम अभी जानामी, मैं भी जानती हूँ, आगच्छ आओ आवाम किडावा, हम दोनों खेलेंगे। हम दोनों क्या करेंगे? हम दोनों नुक्का छिपी जो है खेल, आँख मिचौली का खेल खेलेंगे। तुम नेत्रे निमलाए, तुम पहले आँख बंद करो, है ना, आँख मिचौली का खेल में आँख बंद किया जाता है, आप कुछ लोग छिप जाते हैं, छिपने का काम करते हैं। मुस्का कहता, चूहा कहता है नहीं नहीं, प्रथमम तुम नेत्रे निमले, नहीं नहीं पहले तुम आँख बंद करो। चूहा जी होशियार थे, वो जान रहे कि हम आँख बंद करेंगे तो हमको खा जाएगा, खा जाएगी बिल्ली, इसलिए कहे नहीं नहीं पहले आप तुम जो है आँख बंद करो, है ना। बिल्ली कहती है कि मैं नहीं आँख बंद करूँ, मैं आँख, चूहा कहता है मैं आँख नहीं बंद करूँगा, पहले आप बंद कीजिए, मैंने बिल्ली को पहले बंद करने के लिए कह रहा है चूहा। मारदारी कहते हैं अच्छा ठीक है आम, हाँ निमिल आमी, अच्छा ठीक है मैं आँख बंद करता हूँ, मैं आँख बंद करती हूँ। या कौन, या बिल्ली जो है अंत में बिल्ली को आँख बंद करना पड़ा। इसलिए बच्चों
बुद्धि से काम होता है। बस माजारी नेत्र निर्मिलेतरी, बिल्ली जो है आपको बंद करती है, मूसका तीव्रतया धावती बीलम च प्रविशति, और चूहा जो है तेजी से दौड़ता है और बील में घुस जाता है, बील में प्रवेश कर जाता है। देखिए कहीं कहीं यही बुद्धि हुआ, बुद्धि यही हुआ। यदि बुद्धि से काम नहीं लेता बिल्ली, ये चूहा यदि बुद्धि से काम नहीं लेता तो उसको जान गंवाना पड़ता है। तो आप लोग भी बुद्धिमान बनिए, बुद्धि से काम लीजिए, बुद्धि बुद्धि से बलम शक्ति, बुद्धि जो है बच्चों शक्ति से भी ज़्यादा बल है, शक्ति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्धि बड़ा है या कि शक्ति बड़ा है, तो आपका आंसर देना होगा बुद्धि बड़ा है, शक्ति नहीं। इसलिए आप लोग से, आप लोगों को इस पाठ से यह शिक्षा मिली कि हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। बिल्ली परास्त हुई चूहा से, आप लोगों को यह प्रेरणा मिली कि हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।